लास्ट डेट 15 नवंबर है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं में 60% मार्क्स होने चाहिए, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स होने चाहिए, मैक्सिमम एक 27 साल होनी चाहिए, जनरल के लिए 32 साल होना चाहिए, SC ST के लिए 30 साल होना चाहिए, OBC के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई अप्लाई कर सकता है, इसकी वैकेंसी हर एक स्टेट में है। तो आप जरा, वो बहुत सिंपल है, सिंपल इसलिए है कि आपको कुछ एग्जाम नहीं देना, आपको फॉर्म भर देना है, वो आपके 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेंगे। आज हम एक जॉब की बात करने वाले हैं, ये जॉब निकल के आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक सब्सिडरी कंपनी है उसके अंदर ये जॉब निकल के आई हुई है। इस जॉब की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत सिंपल है, आपके 12th क्लास में मार्क्स 60% होने चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से, आपने अगर 12th क्लास पास किया है और आपके 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें रिजर्वेशन भी है, रिलैक्सेशन भी है कि अगर आपको SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 12th क्लास में सिर्फ 55% ही मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो उम्र आपकी मैक्सिमम 27 ईयर से होनी चाहिए, तो अगर आपकी 27 उम्र है और 12th क्लास के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन है, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल ज़्यादा, मतलब आप 30 साल तक है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 27 साल प्लस 5 साल आप आगे जोड़ लीजिए तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लोकेशन रहेगी, इस जॉब की जो लोकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया में रहेगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ जितने भी ऑल ओवर इंडिया के एयरपोर्ट हैं उस पर काम करने का आपका मौका मिलेगा। तो हो सकता है आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट के एयरपोर्ट पे आपको ये जॉब दे दी जाए, ठीक है। तो अगर हम इसकी जॉब की प्रोफाइल की बात करें कि आपको वहाँ पर जाके करना क्या होगा, ये जॉब है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है, बेसिकली ये सिक्योरिटी की जॉब है। तो सिक्योरिटी में जो एक्सरे मशीन्स पे होते हैं उस पर आपको देखने के लिए रखा जा सकता है, या फिर जो लगेज होता है, लगेज लोडिंग अनलोडिंग का भी काम दिया जा सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, सिक्योरिटी की जॉब है, जितने भी सिक्योरिटी के काम होते हैं उसमें आपको ये करना पड़ सकता है। इसमें कोई भी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे खास बात है कि इस एग्ज़ाम, इस वैकेंसी के लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है कि आपको कुछ एग्ज़ाम नहीं देना, आपको फॉर्म भर देना है, वो आपके 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का बाद आपको एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, इंटर ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता है, इंटरव्यू टेक्निकल होता नहीं है, सिंपल नॉर्मल सी चीज़ें, वो आपसे ये पूछते हैं कि आप उस एयरपोर्ट पे, अगर आपको किसी दूसरी लोकेशन पे भेजा जाएगा तो आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो 12th क्लास का मार्क्स और आपका रहेगा इंटरव्यू, तो इन दोनों के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर ज़्यादा मार्क्स में 12th क्लास में तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आपका ज़्यादा सिलेक्शन हो जाएगा। ये जॉब जो रहेगी वो पहले 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी, आफ्टर 3 ईयर आपके परफॉर्मेंस के बेस पे आपको आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मीन्स वहाँ पे परमानेंट रख दिया जाएगा। तो ये जॉब तो प्राइवेट ही है, बट ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक सब्सिडरी कंपनी के अंदर ये आपको रहेगी, ठीक है। तो जो अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूँ तो इसकी सैलरी पहले साल में आपको 21,500 मिलेगी, फिर अगले साल बढ़ती जाएगी, फिर अगले साल बढ़ती जाएगी। जब आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको ज़्यादा सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपको बता देता हूँ इसकी जो लास्ट डेट रहेगी, देखिए लास्ट डेट है 15 नवंबर, तो आपको 15 नवंबर से पहले ही से भर देना है, ठीक है। तो अगर आप एडवर्टीजमेंट की बात करें, एडवर्टीजमेंट में व्यू फाइल पे आप जाएंगे तो क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। तो ये रही इसका, इस कंपनी का यही नाम है इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विस कंपनी, ये एक पूरी 100% सब्सिडरी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, मतलब इन्हीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्हीं को ही कॉन्टैक्ट देते हैं और ये उन्हीं के सारे काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको 3 साल के लिए असिस्टेंट सिक्योरिटी का काम वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जरा, ये मोरल ऑफ द स्टोरी। और आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी काम दिया जा सकता है 3 साल के लिए, तो आपको पूरे इंडिया में काम करने के लिए तैयार रहना है, ठीक है। जो वैकेंसी है 436 है, आपको कौन कौन से बेसिकली एरिया पे मिलेगा, चेन्नई कोलकाता, गोवा, वाराणसी, श्रीनगर, वडोदरा, तिरुपति, ये सारे एरिया में, इतने सारे एयरपोर्ट पे आपको काम करने का मौका मिल सकता है, आप यहाँ पे देख लीजिए। और ये रही लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, ये 15/11 को है, अप्लाई कोई भी कर सकता है, बस 12th क्लास के मार्क्स को ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पूरे इंडिया में कहीं भी आपको लोकेशन दी जाएगी,
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन प्रोसेस आप समझ लीजिए जरा, अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो एप्लीकेशन फीस 500 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या कोई वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपया ये फीस देनी पड़ेगी। इस एग्जाम में कोई पेपर नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन देखिए जब शुरू हो जाएगा तो वो 20/10/2013 से शुरू होगा और एंडिंग लास्ट जो लास्ट डेट है इसके सबमिशन की 15/11/2023, मतलब 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ कि सारा माई बाप जो है वो कंपनी वाले हैं, ये जो चाहेंगे वही होगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन अप्लाई कर सकता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू 12वीं क्लास में अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, पहले ही क्राइटेरिया। और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपके 55% मार्क्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपको रीड और स्पीक, बोलना और पढ़ना आना चाहिए, क्या हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको कोई लोकल लैंग्वेज भी आती दैट्स वेरी नाइस, ठीक है। आगे चलते हैं जरा, जॉब प्रोफाइल मैंने बता दिया है आपको, जो एयरपोर्ट पे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें आपको असिस्ट करना होगा। बेसिकली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आपको बैगेज की हैंडलिंग, बैगेज पैसेंजर के बैगेज की हैंडलिंग और उसकी लोडिंग उसकी अनलोडिंग करना होगा और मल्टीटास्किंग में ऑपरेशन में आपका आपको करना होगा। साथ के साथ जो एक्सरे मशीन है उसके ऊपर भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो यही सारे काम है जो आपको करने वहाँ पे पड़ेंगे, ठीक है। जनरल कंडीशन क्या है, जनरल कंडीशन यही है कि आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ये तो हर कोई ही रहेगा, ठीक है ना। अगला टेन्योर आपको मैंने बता दिया, पहले ये आपको 3 साल के लिए रखेंगे, पहले ये आपको 3 साल के लिए रहेंगे, उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के बेस पे आपको आगे एक्सटेंड कर देंगे, मीन्स परमानेंट आपको वो कर सकते हैं इस कंपनी में, ठीक है। आपकी एज जो इसी, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एसएससी से बिलोंग करते हैं तो आप 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है तो यही बात मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। तो आपको जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर्स ही होनी चाहिए, कौन से डेट पे इस डेट पे 1/10/2023 को मैक्सिमम एज 27 ही आपकी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखिए सैलरी की बात करते हैं, पैसे की बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट ईयर बोले तो जॉब के फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको 21,000 मिलेगा, सेकंड ईयर में जाएंगे तो 22,000 मिलेगा, 22,500, 21,500, ये 22,000 मिलेगा आपको। देखिए अगर आप फर्स्ट में रहेंगे तो आपको 21,500 मिलेगा, सेकंड ईयर में 22,000 मिलेगा, थर्ड ईयर में 22,500 मिलेगा, ठीक है। तो इस बेस पे आपको ये सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। और अगली वाली लाइन में लिखा हुआ कि अगर आपको ऑफिस के वर्क से इधर उधर जाना पड़ता है तो ये आपको खुद ही उसका किराया भाड़ा देंगे, तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर आप ऑफिस से के काम से कहीं बाहर जाएंगे तो आपको ये TDA दिया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए छुट्टी कितनी मिलेगी आपको, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको छुट्टी कितनी मिलेगी, 18 छुट्टी मिलती है जिसमें 12 हाफ लीव लगेंगी, 9 CL होगा और 2 RH आपको दिया जाएगा, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस में आपको 10,000 पर एनम मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, ये आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में यही है कि 15 नवंबर लास्ट डेट है, आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है। अगर आपको कोई तकलीफ दिक्कत है तो आप इस पे मेल कर सकते हैं या इनको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, ये उन्होंने बोला हुआ है। तो वही आइए यहाँ पे सारी चीज़ें वही लिखी है कि आपको अच्छे से अपनी ईमेल आईडी रखनी है, अपना फोन नंबर भरना है, सारी डिटेल करेक्ट भरनी है, सारा डॉक्यूमेंट करेक्ट देना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों में यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, ठीक है ना। और ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का रहेगा पहले, उसके बाद आपको एक्सटेंड किया जाएगा। इन्होंने बोला हुआ कि शुरू के जो पहले 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लेकिन अगर आप 3 साल के अंदर ही अगर आप लीव करना चाहते हैं तो आपको 3 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 3 मंथ का नोटिस पीरियड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि 3 साल में ही अगर आप चाहते हैं कि छोड़ना, तो आप 3 महीना पहले बताएंगे कि मुझे छोड़ना है, तब आप छोड़ सकते हैं इनकी कंपनी को, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। रिजिग्नेशन के लिए ये है और बाकी ये सारी चीजें हैं डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे कुछ फॉर्म दिया गया है, आप ये देखिए फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट, आपको ये फॉर्म भरना होगा, अच्छे तरीके से आपको भरना है, जो भी फुल नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस है, एड्रेस है, ये सिंपल सा फॉर्म है। आप ये पूरे फॉर्म को अच्छे से तसल्ली पूर्वक भरेंगे, ठीक है ना, तसल्ली पूर्वक ये फॉर्म नीचे दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको भरना होगा। यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो भरेंगे, अदरवाइज नील डाल देंगे। और यहाँ पे ये सब भरना है, अच्छे तरीके से आपको भरना है, अपना साइन डेट और प्लेस सब करना है, ठीक है।
ये करना, आके देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना। अप्लाई करने के लिए आपको दोबारा से ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, और जैसे देखिए इसी में हूँ मैं, आप लिंक दूंगा मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे आप आएंगे ना, यहाँ पे लिखा होगा एक्शन में अप्लाई, अप्लाई में आप यहाँ पे जाएंगे तो अप्लाई जैसे ही करेंगे, प्लीज लॉग इन टू अप्लाई फॉर दिस पोजिशन, ठीक है। तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ, तो हम इसे लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकी वेबसाइट थोड़ा सा लिटिल बिट स्लो है, बट अभी ठीक चल रही है, आप देख लेना, अगर परेशान मत होना। तो जैसे आप लॉग इन करने जाएंगे ना तो ये आएगा, पर आप लॉग इन नहीं करना पहले, क्योंकि आपको पहले रजिस्टर करेंगे तभी तो लॉग इन करेंगे ना। तो आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे, जैसे रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। नाउ अब आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद क्या होगा मैं बताता हूँ। रजिस्टर करने के बाद ये आपके ईमेल आईडी पे एक ईमेल आईडी भेजेंगे, तो वहां से आपको वेरीफाई करना होगा आपको इसी ईमेल आईडी, एंड अभी यहाँ पे पासवर्ड आप अपना खुद जनरेट करेंगे। तो जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तो लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड से दोबारा इसमें जाके लॉग इन करेंगे, तब फॉर्म आप भर पाएंगे, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन में अपना आधार कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, नाम, ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे, जो भी मेल फीमेल भरना है आपको, मोबाइल नंबर, डू यू हैव पैन कार्ड है कि नहीं, पासपोर्ट आपके पास है कि नहीं, और ये कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पे एक ईमेल जाएगा फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस, उस पर क्लिक करके आप वेरीफाई करेंगे, तब आपका आईडी एंड पासवर्ड, पासवर्ड तो आप यहीं से जनरेट कर लेंगे, आईडी तो आपको मिली जाएगी, और उसके बाद फिर आपको लॉगिन करके इस फॉर्म को तसल्लीपूर्वक भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको तसल्लीपूर्वक भरेंगे, देखिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि तो इसमें कुछ आपको करना नहीं है। जो इंटरव्यू अगर बुलाएंगे तो इट्स वेरी शॉर्ट इंटरव्यू, बहुत छोटा सा होगा, इसमें कुछ ज़्यादा पूछने वाले हैं नहीं आपसे, आपको कोई एग्जाम नहीं देना, कुछ नहीं देना। और जो क्वालिफिकेशन वो भी सिर्फ 12वीं पास है, तो 12वीं हर कोई है, 60% मार्क्स सबके आते हैं, तो 12वीं में अगर 60% मार्क्स है और हिंदी इंग्लिश आपको सिर्फ पढ़ना और बोलना आता है, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कोई पेपर नहीं देना, कुछ आपको नहीं देना, ठीक है ना। रिटर्न एग्जाम कोई नहीं है, छोटा सा इंटरव्यू ये ले सकते हैं, बट इन्होंने ऑफिशियली लिखा नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू हो एक ले लेंगे, एक छोटा सा लेना होगा तो, ठीक है। तो इस बेस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इसमें अप्लाई कीजिए, अगर हो जाता है तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एक्सपीरियंस मिलने के बाद आप कहीं पे भी स्विच कर सकते हैं, किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको खुल जाएंगे। हमारा ग्रुप भी है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में मैसेज डालते हैं नहीं रिप्लाई आता, तो आप मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए हमारे, और पर्सनल भी आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, हम उसको आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं।